हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं देखिए छोटी बूटी में बहुत ही प्यारा सा स्वेटर की डिजाइन लेकर आई हूँ। इस डिजाइन से लेडीज जेंट्स बच्चों के स्वेटर पर, कैप पर, किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। ब्लैंकेट बनाइए, कुछ भी बनाइए इस डिजाइन से। देखिए कितना सुंदर डिजाइन है ये। कार्डिगन बनाइए, स्वेटर बनाइए, कुछ भी बनाइए। देखिए, उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आएगा ये डिजाइन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करती हूँ इस डिज़ाइन को बताना। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि समझ में आ जाए कि कैसे बना हुआ है। ये देखिए, ये पहला फंदा है, हम इसी तरह ले लिए। अब यहाँ हम क्या करेंगे, धागे को एक बार ऐसे घुमाएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। सॉरी, एक सिलाई हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, ये सीधे की तरफ से है, ये डिजाइन उल्टे की तरफ से ये शुरू होगा। ये पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिए। ये देखिए, ये सीधे की तरफ है, अब उल्टे की तरफ से इसको हम शुरू करेंगे इस डिजाइन को निकालना। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला फंदा है, इस धागे को एक बार घुमाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार घुमाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, एक बार घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर एक बार घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। सारे फंदा में हम इसी तरह बुनते हुए पूरा रो कंप्लीट करेंगे इसको। इस तरह ये देखिए कंप्लीट हो गया। ये लास्ट का है तो इसमें भी हम फंदा को घुमाते हुए बुनेंगे धागे को। और अब देखिए, यहाँ पर सीधे की तरफ से, देखिए इसको सीधे की तरफ से हम इसको इस तरह बुनेंगे धागे पीछे। अब हम यहाँ पर इन तीन फंदा को लेकर एक करेंगे, इन तीनों को लेकर एक करेंगे। तो इस तरह हम इसको बुनेंगे पीछे की तरफ से। ये देखिए, इस तरह इसको बुनेंगे, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब फिर हम तीन फंदा को लेकर एक करेंगे यहाँ पर, इन तीन फंदा को लेकर इस तरह पीछे की तरफ से हम इसको बुनेंगे। एक कर दिए, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर हम तीन फंदा को लेकर एक करेंगे और हम सिलाई पीछे की तरफ से डालेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर हम तीन फंदा को लेकर एक करेंगे इस तरह, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागे पीछे, एक तीन फंदा को लेकर हम एक करेंगे ऐसे, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे। अब फिर हम यहाँ पर तीन फंदा को लेकर एक करेंगे। ये देखिए, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे पीछे, फिर हम तीन फंदा को लेकर एक करेंगे। फिर धागे अपने तरफ,
एक फंदा उल्टा धागे पीछे, फिर देखिए तीन फंदा को लेकर एक कर दिए, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा धागे पीछे, फिर देखिए यहाँ पर हम तीन फंदा को लेकर एक करेंगे, फिर धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा। अब लास्ट में यहाँ ये दो फंदा बच गया, तो दो फंदा को लेकर हम एक कर देंगे यहाँ पर इस तरह। देखिए ये बन गया। अब आगे देखिए उल्टे साइड से, उल्टे की तरफ से हम अब इस तरह बुनेंगे। ये इस फंदा को हम उतारेंगे, इसको ऐसे धागे पीछे, एक फंदा उल्टा सीधा धागे पीछे ही रखेंगे। इस फंदा को हम बिना बुने हुए लेंगे, जिस फंदा को हम तीन को एक किए थे उस फंदा को ही उतारना है, बिना बुने हुए ले लेना है। और फिर देखिए धागे पीछे ही रखेंगे, इस तरह बुनेंगे, एक फंदा सीधा इस फंदा को उतारेंगे, फिर एक फंदा सीधा इस फंदा को बिना बुने हुए लेंगे, फिर एक फंदा हम बुनेंगे सीधा सीधा, फिर एक फंदा बिना बुने हुए ले लिए, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर इस फंदा को बिना बुने हुए लेंगे, फिर इस फंदा को बुनेंगे। देखिए इसको हम बिना बुने हुए ले लेंगे, फिर इस फंदा को हम सीधा सीधा बुनेंगे, फिर इसको बिना बुने हुए लेंगे, और फिर इस फंदा को बुनेंगे। फिर देखिए इसको अब ये लास्ट का है, तो इसको यहाँ पर हम उतारेंगे, इस फंदा को हम सीधा सीधा बुनेंगे। अब सीधे की तरफ से देखिए, सीधे की तरफ से हम इसको इस तरह बुनेंगे, जिस फंदा को इधर उधर से उतारे थे बिना बुने हुए लिए थे, इस तरफ से भी हम इस फंदा को बिना बुने हुए लेंगे। धागे अपने तरफ, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे पीछे, इस फंदा को बिना बुने हुए लेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे पीछे, एक फंदा बिना बुने हुए लेंगे, एक फंदा हम बुनेंगे, एक फंदा बिना बुने हुए लेंगे, एक फंदा को बुनेंगे। फिर देखिए एक फंदा हम बिना बुने हुए लेंगे, एक फंदा को बुनेंगे, फिर एक फंदा बिना बुने हुए लेंगे, एक फंदा को बुनेंगे इस तरह। इसी तरह पूरा रो कंप्लीट करेंगे। इस चीज को ध्यान में रखना है कि हम तीन को एक किए थे उसी फंदा को बिना बुने हुए लेना है, बाकी साइड वाला फंदा को हम उल्टा बुने थे उसको हम बुनेंगे। ये देखिए अब उल्टे तरफ से देखिए, उल्टे तरफ से अब पूरा रो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान ये डिजाइन है। अब सीधे की तरफ से, उल्टे की तरफ से पूरा रो उल्टा बुन लिए, अब सीधे की तरफ से पूरा रो एक रो हम सीधा सीधा बुनेंगे इस तरह। पूरा रो सीधा सीधा बुन के कंप्लीट करेंगे इसको। देखिए कुछ डिजाइन ऐसा होता है जो कि किसी भी प्रोजेक्ट पर हम डालते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है, उसी तरह ये है पैटर्न। किसी भी प्रोजेक्ट पर डालिए, लेडीज जेंट्स किसी भी स्वेटर पर डालिए, बहुत ही प्यारा लगेगा। ये छोटे छोटे डिजाइन में है, ये देखिए छोटी बूटी का है। अब फिर उल्टे की तरफ से, अब ये कम्प्लीट हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से दूसरा शुरू करेंगे, दूसरा डिजाइन, फिर हम उसी तरह रिपीट करेंगे इसको। देखिए इस तरह धागे ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, धागे को ऐसे घुमाएंगे, फिर उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे,
एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागे को घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए ये कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह हम अब सीधे की तरफ से क्या करेंगे, जैसे एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे और इन तीन फंदे को हम एक करेंगे। ये इन तीन फंदा को एक करना है, फिर इस फंदा को उल्टा बुनेंगे, फिर इन तीन फंदे को लेकर हम एक करेंगे। इसी तरह ये डिजाइन बनाना है। ये देखिए बन के इस तरह कितना सुंदर लग रहा है। ये उम्मीद करती हूँ आप सबको जरूर पसंद आया होगा। तो इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अगर हमारे चैनल को नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। फिर स्वस्थ रहें, खुश रहें। फिर मिलती हूँ मैं कुछ नई डिज़ाइन लेकर आप सबके साथ।